Good afternoon, students. Very soon I'm going to start the second poem from your book, First Flight. The name of this poem is Fire and Ice. Now, why the poet has used this particular heading, Fire and Ice? Actually, the poet wants to tell us, as he has analyzed, that there can be two causes for the destruction of this earth. One cause, the earth can get destroyed in future through fire. Fire यहाँ पर इसका symbolism poet किससे कर रहे हैं? Deep desire which converts into greed. Because you know, students, that we are human beings. We always crave for materialistic worth of life. हम लोग हमेशा इस world के जितने भी materialistic गुड्स है उसके पीछे भागते रहते. एक डिमांड, एक डिज़ायर, एक एस्पिरेशन हमारी ख़त्म होती है, फुलफिल होती है, अनदर वन क्रॉप्स अप इन आवर हेड. मतलब हम लोगों को दूसरी चीज की मांग की डिज़ायर होने लगती है. तो ये जो ग्रीड है, ये जो पैशन है, ये इतनी पर्टिकुलरली इन दिस मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड, ये जो ग्रीड है लाइक फायर, it spreads, it is spreading, all right, furiously, and maybe it may be the cause of the destruction of this earth. Again, poet हमको ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी earth second time destroy हो सकती है, तो उस second time destruction की cause क्या हो सकती है? Ice. क्यों? Ice मतलब ठंडक, cold. तो इसकी आइस की सिंबॉलिज्म पोएट किससे किए हैं? हमारे मन में जो हिडन जेलेसी की फीलिंग होती है किसी और के लिए, ग्रज होती है, और राइट, एक एंगर होती है, रिवेंज लेने की इच्छा होती है, विच बीइंग ड्यूअल पर्सनालिटीज, because every man in this world have dual personalities, one for the world and one for himself or herself, hidden in the deep core of his or her heart. To jab kisi insaan ke heart ke depth mein kisi aur human beings ke liye grudge ho, revenge lene ki bhavna, wo hamesha ye soche ki agle ko nuksan kaise pahunchaya jaye, maybe do जब वही पर्सन उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ मिल रहे हैं, मे बी उन लोग बहुत अच्छे दोस्त बन के उसके साथ मिल रहे हो, तो ये जो हिडन फीलिंग्स है, और राइट, जो नेगेटिव फीलिंग्स है फॉर अदर्स, वो अंदर ही अंदर दबा हुआ रहता है हमारे मन में, और वो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है. जब आप किसी दूसरे को पहचान नहीं सको कि वो अंदर से कैसा है, एक्चुअली वो आपके लिए क्या सोच रहा है, और एक्चुअली वो आपके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट. तो दैट्स वाई द पोएट इज सेइंग कि ये आइस मे बी द रीज़न फॉर द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड. अगर वर्ल्ड को दूसरे टाइम मौका मिले, मौका दिया जाए डिस्ट्रक्शन होने के लिए. सो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. तो एक्चुअली पोएट यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं अबाउट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड. ही इज एनालाइजिंग अबाउट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड. The poet provides and deals with two possibilities, as I have already told you children, causes for the end of the world. He considers the age-old question of whether the world will end in fire or in ice. तो यहाँ पे poet हमको कहना चाह रहे हैं कि एक age-old question है, मतलब बहुत पुराने ज़माने से debate चलती हुई आ रही है, लोग इस पर्टिकुलर क्वेरीज को आंसर करने की क्वेश्चन करते रहते हैं कि क्या वर्ल्ड एंड होगी फायर से. क्योंकि कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड फायर के द्वारा एंड होगी. एज आई टोल्ड यू द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फायर ओवर हियर, व्हेयर एज सम से दैट द वर्ल्ड मे एंड इन आइस. सो दिस इज अ टॉपिक ऑफ डिबेट फॉर द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड इट इज गोइंग लॉन्ग सिंस सेंचुरीज अगो. तो From what I have tasted of desire, I hold with those with favor fire. So what the poet is again trying to tell us, both the two reasons contrast each other
आर इक्वली ऑपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों रीजन एक दूसरे से टोटली डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट रखते हैं. फायर एंड आइस मीन्स हॉट हीट कमिंग थ्रू फायर एंड स्टिलनेस कामनेस और राइट कोल्ड कोल्डनेस कमिंग थ्रू आइस. तो पोएट हमको ये कहना चाहते हैं कि भले ही ये दो रीज़न दिया जा रहा है लेकिन ये दोनों रीज़न एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है. बट जो भी हो टोटली डिफरेंट हो लेकिन दोनों की जो रिजल्ट एक ही देंगे दोनों, दैट विल बी द एंड ऑफ दिस अर्थ, डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ, डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड. ऑन वन साइड ऑफ द डिबेट आर दोज पीपल हु आर इन फेवर ऑफ फायर, एज आई हैव टोल्ड यू. डिबेट के ऑलवेज टू ग्रुप होता है, एक साइड में वो लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन थ्रू फायर ही होगी. दे बिलीव दैट इट विल बी द हीट एंड द पैशन और राइट विच विल लीड टू द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी. ऑन द अदर साइड ऑफ द डिबेट पीपल हु फील हु फेवर आइस एंड फील दैट इट विल बी आइस विच विल फ्रीज द वर्ल्ड. So, Robert Frost is providing a powerful statement on the subject of greed and jealousy. He is saying that above anything else, even hatred, which is the trail of humanity, is most likely to lead the world to demise. So, actually, poet yahan kya kehna chahte hai? There may be three main reasons: greed, jealousy, yes, and one more thing. Yes, just now I told you, hatred. This may be the three reason, most important causes behind the demise of this world, destruction. Now, world ko yahan pe children personification kiya gaya hai into human form aur isliye unko kaha ja raha hai demise means death of this world. Now. Again the poet is saying that, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great. Jaise maine pehle kaha, as I told you before, that if the world would have been allowed to get destroyed twice, pehle to poet soch hi rahe ki ho sakta hai world ki destruction fire se hogi. Agar world ko second time chance diya jaye perish hone ke liye, destroyed hone ke liye totally, tab उस सेकेंड टाइम में डिस्ट्रक्शन की जो मेन कॉज होगी वो है आइस. व्हाई? बिकॉज द वर्ड आइस इन द पोएम इंडिकेट्स हेट्रेड एंड इंडिफरेंसेस. आइस यहाँ किसको सिंबलाइज किया जा रहा है, किससे कंपेयर किया जा रहा है? हेट्रेड से, इंडिफरेंस से. हेट्रेड, हम किसी को बहुत हेट कर रहे हैं, नफरत करते हैं, मनी मन विद इन द वेरी कोर डेप्थ ऑफ आवर हार्ट ये फीलिंग ये इमोशन हम दबा के रखे हैं, बट वी आर नॉट शोइंग इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन दैट वी आर एक्चुअली हेटिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन. कोल्ड इमोशंस जिसको कहते हैं, फ्रीजिंग थॉट, आइसी थॉट्स एज कोल्ड एज आइस. जो दिख गया वो तो फायर है, जो नहीं दिख रहा है आपकी हिडन पैशन, जो बहुत ज़्यादा मोर और भी ज़्यादा डेंजरस कॉज है फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस अर्थ, वो है आइस. सो कोल्ड इंडिफरेंस एंड हेट्रेड कैन बी इक्वली डिस्ट्रक्टिव. सो आई एम समिंग अप ओवर योर चिल्ड्रन टू से दैट द वर्ड फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, डिजायर फॉर मेटलिस्टिक वर्थ ऑफ लाइफ विच मे लीड टू द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस अर्थ. इफ़ यू आर टू मच ग्रीडी फॉर इट, और उन चीज़ों को पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी ईवल वेज, कोई भी ईवल पाथ पर आप ट्रेड कर सकते हो, अपने को भी हार्म पहुँचाते हो, दूसरों को भी पहुँचाते हो. और इस तरीके से सारे ह्यूमन बींग्स इस वर्ल्ड के अगर ऐसे ही सोचने लगे तो वर्ल्ड की डेथ निश्चित है, वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन निश्चित है.
In the poem, it indicates all type of greed and lust. In today's world, mankind's greed is endangering the very existence of planet. जैसे मैंने कहा, इस वर्ल्ड में इस मॉडर्न हाईली टेक्नोलॉजिकल बेस्ड साइंटिफिकली डेवलप्ड वर्ल्ड में मैनकाइंड, हम ह्यूमन बींग्स की जो ग्रीड है वो हमारी ही एग्जिस्टेंस, हमारी ही प्लैनेट अर्थ में एक डेंजर क्रिएट कर रही है. और द वर्ड आइस इन द पोएम इंडिकेट्स हेट्रेड एंड इंडिफरेंस विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो दीज आर द टू कॉजेज विच द पोएट फील्स इफ द वर्ल्ड इज अलाउड टू गेट डिस्ट्रॉयड ट्वाइस. द फर्स्ट वुड बी फायर एंड द सेकेंड वन वुड बी आइस. थैंक यू सर, टेक केयर.